तो मैं अचानक ही लाइव आया। तो हाय दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा ही होगा काजल अगवानी ने एक इंटरव्यू दिया है। उनका नया इंटरव्यू का आया था जिसमें उन्होंने खेसारी लाल के पुराने सवाल पे बड़े अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया था। उसके बाद इंतजार हो रहा था कि खेसारी लाल लाइव आकर क्या बोलता, तो देखिए उन्होंने लाइव आकर क्या बोला। बक बकैला में बा ना जी, उड़ गई। कबो कबो जो कि सिवान मल्टीप्लेक्स में लग रही है और संजय मोतिहारी। दोस्तों खेसारी लाल के पूरा लाइव वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ खास बोला नहीं है, इसे कोई जवाब नहीं दिया है। बस उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसके बारे में उन्होंने बताया, और संजय सिनेप्लेक्स का मैंने फोटो लगाया जिसमें उनका फिल्म लगने वाला है। बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ सामग्री उन तक पहुँचाना और उनका ही दिया हुआ जो मेरे पास है, मैं उनमें कुछ सोचता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ खर्चा हम उनके लिए कर दें। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पवन सिंह पावर स्टार ने माइक की आरती उतारे गाने का पूरा इनकम जो है बाढ़ पीड़ित और गरीबों के दान देने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था। उसी तरह खेसारी लाल भी अभी पटना पहुंचे, वहीं से लाइव किया था कि बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कुछ सामग्री बांटने के लिए वो पहुंचे हैं, जिसका उन्होंने लाइव में जिक्र किया है। अभी कुछ दिनों से जो है खेसारी लाल बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, चाहे काजल अगवानी हो चाहे अक्षरा सिंह हो, उन्हें बहुत ज़्यादा उनके पुरानी बातों को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। उसी को लेकर ऐसा लगा था कि खेसारी लाल लाइव में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। दोस्तों खेसारी लाल आजकल अलग ही मूड में चल रहे हैं, किसी का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा बड़ी अजीब देखने में लग रहा है। नहीं तो पहले बार बार लाइव आ जाते थे और कुछ कुछ बोल देते थे। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना सोच है, अच्छी बात है अगर लाइव आकर रिप्लाई नहीं देते हैं तो। लेकिन आप लोग दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू।